दोस्तों फेसबुक ऐसा ऐप है जहाँ पर कई लोगों को रोजाना कितनों लोगों को प्यार होता है। और भाई फेसबुक पे मैंने बहुत सारी वीडियो भी बनाई हैं, जैसे कि प्रोफाइल कैसी रखना है और कमेंट क्या करना है लड़कियों को और मैसेज क्या करना है लड़कियों को जिससे वो जल्दी रिप्लाई दे। तो भाई ये बहुत सारी वीडियो मैंने पहले से ही बना रखी है, लेकिन फिर भी लोग मुझे क्वेश्चन करते कि लड़कियां हमें रिप्लाई नहीं देती। तो भाई इस पे मैं कुछ वीडियो बना रखी है, लेकिन मैं इस बार कुछ अलग करने वाला था, इसलिए मैंने 5 लड़कियों को डिसाइड किया है और मैं उनसे चैट करने वाला हूँ, और मैंने जो चैट की है मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। दोस्तों जब दूसरी लड़की से मैंने कहा कि मुझे आपसे दोस्ती करनी है, तो उसने बोला हाँ तो कर लो। तो मैंने कहा क्या सच में, वाओ कितनी ब्यूटीफुल लड़की मेरी फ्रेंड होगी। तो भाई ऐसे ही लिखा आप, मतलब उसने बोला शो मी यू आर फेस फर्स्ट, मतलब आप मुझसे फेस के जरिए दोस्ती करना चाहते हो, उसके कहने का ये मतलब था। तो मैंने कहा नो नो। तो फिर ऐसे ही मैंने इससे बहुत सारी बातें की। तो अब मैं नेक्स्ट चैट की तरफ आपको लेके चलता हूँ। दोस्तों यही क्वेश्चन सेम मैंने इससे भी पूछा, लेकिन इसने सीन करके मेरा क्वेश्चन छोड़ दिया, क्योंकि यार नॉर्मल सा था और ये रिप्लाई देना नहीं चाहती थी। हर लड़की एक जैसी नहीं होती, यही बात मैं आपसे कहने वाला था कि सेम चीज़ हर जगह नहीं हो सकती। हमें ऐसा नहीं कि 90% ही लड़कियाँ हमें मैसेज का रिप्लाई दे, 10% ना दें, ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट जब मैंने इस लड़की को मैसेज किया कि मुझे आपसे दोस्ती करनी है, तो इसने लिखा क्यों, तो मैंने लिखा दोस्ती करने की वजह नहीं होती, तोड़ने की वजह हो सकती है। तो उसने लिखा अच्छा। तो ऐसे ही हमारी काफ़ी सारी बहस हुई और जिससे हमारी बात लंबी होती गई, और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने काफ़ी लिखा है। उसने लिखा जी मुझे दोस्ती करना पसंद नहीं है शायद, तो मैंने लिखा शायद आपके, मतलब पास्ट लिखने वाला था, पोस्ट लिख दिया था मैंने, तो ये मुझसे गलती हो गई थी, ठीक है ना। तो ये सब आप देख सकते हो हमारी बातों का काफ़ी असर पड़ता है, और ऐसे हमारी बहस में ही काफ़ी चैट लंबी हो सकती है। दोस्तों नेक्स्ट इस लड़की से भी मैंने यही पूछा मुझे आपसे दोस्ती करनी है, तो उसने लिखा क्यों, तो मैंने यहाँ पे ही वही डायलॉग यूज़ किया है, दोस्ती करने की कोई वजह नहीं होती, तोड़ने की वजह हो सकती है, शायद मेरा कोई इतना ब्यूटीफुल दोस्त नहीं इसलिए मैंने आपसे कहा। तो भाई यहाँ पे देख सकते हो, ओहो आप तो भाई, उसने मुझे रिप्लाई दिया और फिर मैंने आगे बात और बढ़ाई। तो मैंने लिखा शायद आपके हिसाब से दोस्ती करना गलत है या दोस्ती का टाइम नहीं है, जो भी आपको लिखना है यहाँ पे लिख सकते हो, और आप देख सकते हो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैट हो जाती है आगे। तो ऐसे ही अगर आप कोई भी क्वेश्चन करते हो, ये क्वेश्चन का नहीं, अगर कोई लड़की रिप्लाई देती है तो आप कितना इंटरेस्टिंग उसे बना सकते हो, ये सब मायने रखता है। तो आपको चैट थोड़ी इंटरेस्टिंग बनाना है जिससे लड़की को पसंद आए कि आप थोड़े इंटरेस्टिंग बनते हो और वो आपसे बात करना चाहें। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने 5 लड़कियों की एक सी चैट आपको दिखाई थी, मतलब एक मैसेज करके 5 लड़कियों को दिखाया था, क्या रिप्लाई आया था ये भी मैंने दिखाया था, किसी का रिप्लाई नहीं भी आता है, किसी का आता भी, किसी का बहुत प्यारा रिप्लाई आता है, किसी का बहुत अलग आता है। मेंटेन करना आपके ऊपर है, आप कैसा मेंटेन करते हो, कितने अच्छे से उससे बात कर सकते हो और कितने अच्छे से उसे मना सकते हो। भाई आप पहली बार चाहे कॉल पर बात करोगे या मैसेज पे या व्हाट्सएप पे कैसे भी बात करोगे, लेकिन आपसे वो अजीब ही व्यवहार करेगी, आपको अच्छे से पेश आना है और आप उससे अच्छी दोस्ती कर सकते हो। ये सब यार मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लड़कों ने मुझे कमेंट किया था कि कुछ डायलॉग काम नहीं करते हैं और हमें कुछ अजीब सा सुनने को मिलता है। तो भाई एक साथ नहीं हो सकता, कुछ लड़कियाँ उसी डायलॉग से इंप्रेस भी हो सकती हैं, कुछ यार डिप्रेशन में होती हैं, किसी ने धोखा दिया होता है या घर पर डांट पड़ी होती है, इसकी वजह से उसका उल्टा रिस्पॉन्स भी मिल जाता है। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को शेयर तो जरूर करना। धन्यवाद।